अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8 बहरिया फाउंडेशन कॉलेज नौशरफ रोज़। खुश आमदीद कहते हैं आपको ऑनलाइन क्लासेस में। डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपकी उर्दू टीचर आसान उर्दू की किताब के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हदीस है कि सफाई निस्फ ईमान है और कुरान पाक में इरशाद पाक है कि अल्लाह ताला दोस्त रखता है उन लोगों को जो सफाई पसंद है। डियर स्टूडेंट्स, जो आज का हमारा सबक है वो है सेहत और सफाई। आइए इस सबक से वाकिफ हासिल करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये होगा हमारा सबक नंबर 7, सेहत और सफाई। सेहत और सफाई का आपस में गहरा ताल्लुक है। सेहत के लिए सफाई बहुत ज़रूरी है। अगर इंसान सफाई का पूरा ख्याल रखे तो वो बहुत सी बीमारियों से महफूज रह सकता है। सेहत अल्लाह ताला की दी हुई बड़ी नेमतों में से एक है, क्योंकि इसके बगैर इंसान कोई काम अंजाम नहीं दे सकता। डियर स्टूडेंट्स, ये सबक आपको मिलेगा बुक पेज नंबर 50 और 51 पर। डियर स्टूडेंट्स, आप इस सबक को मुकम्मल पढ़ेंगे, इससे वाकफियत हासिल करेंगे, उसके बाद जो है आप अपनी फेयर कापी तरतीब देंगे। हमेशा की तरह हम फेयर कॉपी पर पहले तारुफी सफ़ा जो है वो तरतीब देंगे। आप किसी भी कलर के मार्कर के साथ अपनी तरतीब दें कुछ इस तरह से। उसके बाद हम अपने फेयर काम को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। दूसरा पेज आप तरतीब देंगे, टॉप टू बॉटम तक आप जो है मार्जिन लाइन बिल्कुल सीधी बनाएंगे। पेज नंबर आप देंगे, उसके अलावा आप अल्फाज और मायना की हेडिंग देंगे किसी भी कलर के मार्कर के साथ। उसके बाद आप अल्फाज मायना फेयर करेंगे। 1 से लेकर 5 तक हमारे अल्फाज मायना हैं, सफाई से आप फेयर करेंगे। अल्फाज मायना फेयर करने के बाद आपका होमवर्क ये है कि आप मुकम्मल सबक की पढ़ाई करेंगे, अल्फाज मायना याद करेंगे, अपनी फेयर कॉपी तरतीब देंगे और सेहत और सफाई के मुतालिक एक मुख्तसर सा नोट लिखेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।